मीरा जी प्लीज हेल्प, कोई है, मुझे यहां से बाहर निकालो। क्यों कोई आएगा, किसी को क्या फर्क पड़ता है मैं कहां, मेरा कोई अपना है ही नहीं यहां पर। इस टाइम पे बैटरी को भी जाना था। मीरा जी से आवाज आ रही है, शायद अंदर है। मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, आप यहां पर क्यों बैठी है, क्या हुआ मीरा जी, आप रो क्यों रही है, लगता है अंधेरे से घबरा गई है। देखिए मीरा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं, मैं आपको यहां से बाहर निकालता हूं, आप घबराइए मत, दरवाजा खोलिए मेरे। नहीं मीरा जी, नहीं, अब मैं आपको अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। मीरा जी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिएगा मीरा जी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, आपके साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया, माफ कर दीजिए मुझे मीरा जी, सच कह रहा हूं, अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा अब मैं आपको। मैं जानता हूं बहुत उल्टा सीधा कह दिया मैंने आपको, जो कुछ भी कहा उसके लिए हो सके तो माफ कर दीजिएगा, भावनाओं में आके पता नहीं क्या क्या कह गया। मैं जानती हूं मुकुंद जी, आप कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे, कभी मुझे अपनी
वाइफ की जगह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन रेणुका जी का फोटो हटाने के पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वो तो उस वक्त बस मैं जानता हूं, इसलिए खुद मैंने रेणुका का फोटो वहां से हटा दिया। हाँ मीरा जी, जानती है मीरा जी, जब से आपने अपने मन की बात मुझसे कही है ना, तब से मेरा मन बेचैन है। मैं अपनी भावनाओं से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नव्या ने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को नहीं समझा पा रहा। और ना ही खुद को रोक पा रहा हूँ। मीरा जी, मैं रेणुका से प्यार करता हूँ और वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आपके पास रहना, आपसे बातें करना, आपकी बातें सुनना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपका चेहरा रेणुका से मिलता है। लेकिन मैं गलत था। मीरा जी, आपका एक अपना व्यक्तित्व है, एक अपनापन है, मुझे अच्छा लगता है। जब आप मेरी फिक्र करती हैं, मुझे डांटती हैं, मुझसे झगड़ा करती हैं, तो मुझे खुशी होती है। अब मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ आपके चेहरे की वजह से नहीं, बल्कि आपके दिल की वजह से, आपकी आत्मा की वजह से मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ, आपके आसपास रहना चाहता हूँ। सच कहूं एक बात, आदत हो गई है मुझे आपकी, और आदत तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे प्यार हो गया मुझे आपसे।
रामप्रसाद पीटर मिरर को इधर रख दो, जरा संभल के। आराम से, अब थोड़ा सा थोड़ा शिफ्ट करो। हाँ परफेक्ट, तुम दोनों जा सकते हो। थैंक यू। सी आदि, आज से तुम इस मिरर के सामने एक्सरसाइज करोगे ताकि तुम खुद को देख सको और खुद को मोटिवेट कर सको। चलो आदि, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाद में एक्सरसाइज करेंगे। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आप से, सांसें ये आती जाती सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा। आज मैं बहुत खुश हूँ मुकुंद जी, फाइनली आपने मुझे अपना ही लिया। संभाली संभलता नहीं ये, लेकिन आप कुछ ये सच है कि मैं रेणुका जी को ना कभी आपसे अलग करना चाहती थी, ना कभी करूंगी। रेणुका जी हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगी। एक बात कहूं मीरा जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। सिर्फ आज? आ, 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 आ,
मुकुंद जी, मैंने अभी वो फोटो में देखा, कोई औरत थी, घूंघट था यहाँ तक का। घूंघट इस घर में? मीरा जी, इस घर में कौन सी औरत घूंघट उड़ती है बताइए? वहम हुआ है आपको और कुछ नहीं? हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता मीरा जी कि आज मैं ऑफिस ना जाऊं, कहीं बाहर चले घूमने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप कोई बहाने मत बनाइए, समझे आप? मुकुंद जी बस नाश्ते के लिए आ जाइए। मुकुंद जी, वो क्लाइंट के साथ जो मीटिंग है ना, उसमें बजट भी डिस्कस करना है। हाँ हाँ, मैंने बजट बना दिया है, तुम एक बार देख लेना, उसके बाद फाइनल करके मेल कर देते हैं। ठीक है, मैंने भी डिलीवरी चार्ज प्रिपेयर कर दिए, एक बार आप चेक कर लेना प्लीज। ठीक है। मीरा जी, चाय बना दीजिए ना। और पराठे लेके आ। अरे नहीं नहीं मिमी, हम फुल और नहीं चाहिए। मुकुंद जी चलें? हाँ हाँ चलो। और ऋतिक, तुम्हारा बैग। थैंक यू। बाय पापा। चलता हूँ। बदली बदली लग रही है आप आज? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दिस इज रियली बैड। आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो ना। हटो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, हटो। हाँ हाँ, अब तुम हमसे क्यों बात करोगी? मीरा, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तुमको देख के ना बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। मैं भी आपको कुछ देके बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट पापा को इतना कुछ मैंने बहुत टाइम बाद देखा। क्या अब तुम ऐसे क्या देख रही हो अक्की? तुम्हें भी कुछ कहना है तो बोल दो, चलो। नहीं नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो आप सबको ये बताना था कि एक्सरसाइज के बाद आदि की बॉडी मूवमेंट होनी शुरू हो गई है, और डॉक्टर ने एक्सरसाइजेस की सारी लिस्ट भी भेज दी है। ये बहुत अच्छी बात है। आदि बहुत जल्द एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा।